हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार है। शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077। आज अधिक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रात में 1:07 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि रहेगी। नक्षत्र आज का ज्येष्ठा रात में 12:17 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र है। आज सूर्योदय 6 होगा। वहीं आज के दिन सूर्यास्त भी 6 ही होगा। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, अर्थात आज दिन और रात बराबर होंगे। ये एक अनुभव का दिन है। आज रात में 1:17 के बाद भद्रा है। हालांकि ये भद्रा पाताल में है, इसलिए भद्रा के कारण शुभ कार्य में कोई बाधा नहीं है। लेकिन आज ज्येष्ठा में केतु युति है, इसलिए आज किसी काम के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आज बुधवार है और बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को घर से निकलने से पहले धनिया खाना चाहिए। ये था आज का पंचांग। चलिए अब बात करते हैं राशि फल की, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन मेष राशि का दिन कैसा रहेगा वो जानते हैं। आज मेष राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बाहर के खान पान से बचकर रहें, वरना सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। कठिन मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। किसी बात को लेकर संतान से मनमुटाव हो सकता है। ऑफिस में बॉस से अनबन होगी। आर्थिक नजरिए से दिन बढ़िया रहेगा। आज आपका लकी नंबर है 6। उपाय: ओम गण गण पतये नमः का जाप करें, इससे आपका कल्याण होगा। वृष राशि के बारे में आज जानते हैं। आज वृष राशि वालों के लिए दिन सौभाग्यशाली साबित होगा। मनोरंजन के भरपूर अवसर मिलेंगे। सुंदर वस्त्र आभूषण और भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। खर्च पर काबू रखें। घर में धार्मिक आयोजन होगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। आज आपका लकी नंबर है 5। उपाय करना है: ब्राह्मण को वस्त्र दान करें। मिथुन राशि के बारे में आज का दिन परिवार का वातावरण उल्लासमय रहेगा। शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना है। किसी नई योजना पर तेजी से काम करेंगे। कारोबार के सिलसिले में कहीं दूर की यात्रा हो सकती है। धर्म कर्म के काम में खर्च बढ़ेगा। सामाजिक दायित्व निभाने में सफल होंगे। आज आपका लकी नंबर है 3। उपाय करना है: कन्याओं को मिठाई बांटें, इससे आपका आज के दिन बहुत ही कल्याण होगा। कर्क राशि के बारे में आज के दिन भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है। सकारात्मक सोच के साथ
किया हुआ प्रयास आपको सफलता दिलाएगा, आपके अधूरे काम पूरे होंगे, कानूनी अड़चनें दूर होंगी, ऑफिस में आपकी बातों पर अधिकारी ध्यान देंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग आज के दिन आपको मिलेगा। आज आपका लकी नंबर है 5। उपाय करना है गणेश के जी के मंदिर में जाकर फल और नारियल दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। सिंह राशि वालों का आज का दिन आपका दिन मध्यम फल देने वाला है। माता की सेहत को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं, आर्थिक रूप से हानि हो सकती है, हालांकि आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे। शेयर बाजार में निवेश से आज के दिन परहेज करें, एंटिक और जेवर में निवेश आगे चलकर लाभदायी साबित होगा। आज आपका लकी नंबर है 5। दोस्तों, आज आपको उपाय करना है बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, इससे आपका कष्ट दूर होगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन नए काम की शुरुआत के लिए समय शुभ है। हालांकि किसी भी योजना में निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, इसलिए लापरवाह मत बनिए। जमीन के विवाद से अपने आप को दूर रखिए, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। आज आपका लकी नंबर है 4। दोस्तों, आज के दिन आपको उपाय करना है काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे आपका शनि और राहु का कष्ट दूर होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतान पक्ष की सफलता से घर का वातावरण बदलेगा। कई दिनों से जारी तनाव से छुटकारा मिलेगा, विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे, सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें, वरना आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। छात्रों के लिए आज का दिन सफलता से भरपूर रहेगा। आज आपका लकी नंबर है 6। उपाय करना है आज के दिन आपको भगवान गणेश जी के द्वादश नामों का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज तन फिट रहेगा और मन फाइन रहेगा। किसी बड़े अधिकारी से बातचीत करते समय शब्दों का उचित चयन करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। प्रियजनों से मुलाकात के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। घर में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। आज आपका लकी नंबर है 8 और उपाय करना है संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक दायित्वों को निभाने में सफल होंगे, जिससे सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, घर हो या ऑफिस, आज आपका प्रभाव हर जगह विकराल दिखेगा। मनोरंजन और भोजन पर विशेष खर्च करेंगे, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, आज आपका लकी नंबर है 5। उपाय करना है भगवान गणेश को सिंदूर और दुब्बी चढ़ाएं, इससे आपका दुख दूर होगा। मकर राशि वाले के लिए अचानक आज के दिन धन लाभ से कई दिनों से अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना आगे चलकर आपके लिए लाभ देने वाला साबित होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। माता पिता की सलाह पर ध्यान दें, अवश्य उनका बात को ध्यान से सुने,
आज आपका लकी नंबर है 5। दोस्तों, आज के दिन आपको उपाय करना है, अस्पताल में जाकर रोगियों की सेवा करें, इससे आपका कष्ट दूर होगा। कुंभ राशि, आज का दिन सफलता भरा रहेगा। किसी प्रियजन से मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर आज के दिन आप हिस्सा लेंगे। विरोधियों की साजिश नाकाम होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आज के दिन आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। धार्मिक आयोजनों पर खर्च आज के दिन आपका बढ़ जाएगा। सेहत आज के दिन आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आपका लकी नंबर है 3। उपाय करना है, जरूरतमंदों की सहायता करें। मीन राशि वालों का आज के दिन कारोबार में नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी कदम पूरी जांच परख के बाद ही बढ़ाएं। ऊपरी अधिकारी या सहकर्मियों के साथ व्यर्थ की चर्चा और विवाद से बचने की कोशिश करें, इससे मान हानि हो सकती है। संतान की प्रगति से संतोष होगा। सेहत भी आज के दिन आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका लकी नंबर है 9। उपाय करना है, ओम गण गणपतये नमः। इससे आज के दिन आपका काफी कल्याण होगा। दोस्तों, आज के दिन हमारा YouTube चैनल के लिए इतना ही। दोस्तों, कल हम आपके लिए फिर से ग्रह गोचर और राशिफल कल के लिए फिर हम कल लेकर के आएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है और मेरा फ़ोन नंबर है 9431114375 9431114375 और दूसरा नंबर है 88 25 17 76 33। आपको किसी भी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता हो तो आप जरूर इस नंबर के माध्यम से हमसे मुलाकात करें और हर एक समस्या का समाधान आपका होगा। तब तक के लिए दोस्तों, ज्योतिष आचार्य पंकज कुमार पांडे का आपको प्रणाम।